स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर, ये दोनों ही नाम क्रिकेट जगत में बहुत ज्यादा मशहूर हैं और ये दोनों अपने नाम से कम बल्कि अपनी धुआंधार बैटिंग से ज्यादा पहचाने जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये दोनों बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं। अभी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज चल रही है, जिसमें से 2 मैच हो चुके हैं, लेकिन तीसरे मैच में तीसरे दिन कुछ ऐसा विवाद हुआ जिसको देखकर पूरा खेल जगत बहुत बड़े सदमे में है। फिर उस सब के बाद एक कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई में स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है और डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के उर्फ कप्तान है, इन दोनों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया है। आखिर क्या हुआ था उस मैच में ऐसा जिससे इन दोनों के लिए इतनी बड़ी मुश्किल आ गई है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का तीसरे दिन का सेकंड सेशन चल रहा था और एम्पायर ने अचानक कैमरून बैनक्राफ्ट को अपने पास बुलाया जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक फील्डर हैं और उनसे अपनी जेबें दिखाने के लिए कहा। लेकिन जब कैमरून बैनक्राफ्ट ने अपनी जेबें दिखाई तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला, लेकिन तभी एक फुटेज सामने आई जिसमें कैमरून बैनक्राफ्ट अपने अंडरवेयर में से कुछ पीले रंग की चीज निकाल रहे थे। फिर उसके तुरंत बाद ही एक और फुटेज सामने आई जिसमें वे बॉल को किसी चीज से घिस रहे थे। इससे ये तो साफ हो गया था कि बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ी की गई थी और ये सब बात खुली शाम को एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, और सब हैरान तो तब हो गए जब स्टीव स्मिथ ने सीधा बता दिया कि हाँ, हमने बॉल टेम्परिंग करी है और ये मेरा और मेरी पूरी टीम का एक प्लान था। और इस केस के बाद स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को पूरे 1 साल के लिए क्रिकेट जगत से बैन कर दिया गया है। और ये जो कुछ भी हुआ है इससे बहुत से लोग नाखुश हैं और खेल जगत को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है।